तुम्हारी ना, तुम्हारी ना, तुम्हारी ना, तुम्हारी शक्ल नहीं आएगी। मुंह धोते नहीं पैदा क्या? ये जो है जो कर रहे हो इसमें कांच मिलाते हैं? ना कांच नहीं मिलता है। क्या होता है? पाउडर। धार कैसे बनती है इसकी? धार नहीं बनती। अब तो बगैर धार के पतंग कैसे कटेगी? चिकना होता है मांजा। चिकना बरेली का मांजा तो बहुत दूर दूर तक मशहूर है। हाँ। तो ऐसी क्या बात है बरेली के मांजे में कि कोई पतंग यहाँ के मांजे को नहीं काट सकती? ऐसी खासियत क्या है? नहीं बनता ना, और कहीं बनता नहीं। नहीं, खासियत क्या है? बना तो कोई भी सकता है। कैसे कैसे बन सकता? नहीं तो इसमें आपको गाड़ी चलाना आती है? मुझे नहीं चलाना आती है। अब बताओ। नहीं, पतंग तो आदमी उड़ा ही लेता है ना। कैसे कैसे उड़ा लेता है? करने नहीं बनाऊंगा तो आदमी कर। हाँ तो असली बात तो है, कन्ने कैसे बनते हैं? तो मतलब मांझा बनता कैसे है? अच्छा, ये जो है सफ़ेद वाला, ये सादी डोर है। हाँ। और उसके बाद जो आप कर रहे हो उससे मांझा बन जाता है, कलर हो जाता है। ये भी बिल्कुल पक्का मांझा है? हाँ, मांझा बनाने के लिए सबसे पहले आपको उठना पड़ेगा 4 बजे। हैं? नहीं नहीं, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी शक्ल नहीं आ रही है। सबसे पहले उठना पड़ेगा आपको 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद आपको चावल जो होते हैं खाने वाले, वो चावल आपको रखना पड़ेंगे गैस पे। अच्छा, जैसे खाने वाले चावल पकाए जाते हैं वैसे वो चावल पकाए जाएंगे। अच्छा। करीब एक लगभग 1.25 घंटे में वो चावल पकेंगे। फिर उसके बाद करीब केमिकल वगैरह जो भी होता है, पाउडर है, घर का है, और ये मसाले वगैरह है, जो सा कलर मिलो ना, वो कलर बनाना आपको सब कुछ मिलो के आप बना के घर से आप यहाँ पर आएंगे। अच्छा। करीब आओगे आप लगभग 6 बजे। अच्छा, 6 बजे लग के करीब यहाँ पर बच जाएंगे आपको 4। अच्छा, 4 बजे, 4:30 बजे तक आपके तैयार होंगे रील 12। अच्छा, बस। तो ये बताओ, जितना मेहनत का ये काम है उसमें इतना पैसा मिल जाता है कारीगर को? ये भी काम खत्म हो जाएगा। ये काम भी खत्म। भाई, दुनिया में हथकरघा जितने हैं वो सब खत्म इसलिए हो रहे हैं कि आदमी जो भाई इसमें लागत लगती है, महंगा है, मेहनत लगती है, और मशीनों की चीज़ सस्ती पड़ती है। तो इसीलिए जितने भी हथकरघे वाली चीज़ है, जैसे जरी दर्जोजी खत्म हो गई है, ठीक है ना, और सब तमाम चीज़ें खत्म हो गई, तो क्या मांझे का भी ऐसे ही हाल हो रहा है? खत्म ही हो रहा है, महंगी। इसकी बाजार में एक रील कितने की बिकती है? 70-80 रुपए। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दूं आपको, ये कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ आदमी का उड़ाने का ये है शौक। हाँ, शौक है, शौक वाली चीज़ है। ठीक बात, ठीक है। अब आप ये तो कारोबार तो है नहीं कि आदमी मोल लेके 2000 रुपये का चरखा और उससे 20,000 कमाएगा। नहीं, आदमी शौक खाने के लाले पड़ोगे। ठीक बात है, तो ये शौक क्यों करे? ठीक बात, ठीक बात। इतनी महंगाई के आलम में तो ये है बरेली का मशहूर मांझा उद्योग जो आज दम तोड़ रहा है। इसके कारीगर परेशान हैं। पूरी दुनिया में विख्यात था बरेली का मांझा। मैंने खुद विदेशों में भेजा है मांझा, पंजाब तक भेजा है मांझा, अपने रिश्तेदारों को भेजा है, क्योंकि उनकी डिमांड्स आती थी कि भाई बरेली का मांझा भेजिए, ये बहुत खूबसूरत होता है, ये बहुत तगड़ा होता है और दूर दूर तक की आसमान में पतंगे साफ कर देता है। लेकिन आज बरेली जैसे शहर में भी ये उद्योग ख़त्म होने जा रहा है। ये इसके कारीगर लोग बहुत परेशान हैं। पहले जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ अड्डा, इस तरह का अड्डा ये दिल्ली रोड पर बहुत सारे होते थे, लेकिन अभी ये इक्का दुक्का दिखाई देते हैं। और आप ये भी समझिए कि ये भी शायद मांझा जो बन रहा है इस समय, ये भी डिमांड पर ही बन रहा है। ये किसी की डिमांड होगी, कोई ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर पे ही बन पा रहा है ये। और इस तरह का जो पूरा उद्योग चलता था, उद्योग ख़त्म हो गया है। बहुत त्रासद है। हम एक तरफ दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने शौकों को पूरा करने के लिए हम उतना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं जितना हम पिछले शायद किसी ज़माने में कर लेते थे। तो ये है बरेली का मांझा उद्योग।